हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज मैं बताने वाला हूं कि आज मेरे खुद के चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। जैसे कि मैं आज आपको बता दूं, अब तक मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूं अपने चैनल पे टेक्निकल गौर यूट्यूब चैनल पे, आज तक किसी भी वीडियो पे किसी भी तरह का कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम नहीं आया मेरे। मेरे फर्स्ट टाइम 30 अप्रैल 2021 को एक वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। सो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैं आपको लाइव कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्या क्या इसमें प्रोसेस है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ। ये कॉपीराइट स्ट्राइक मेरा शाम को अप्रैल 30 को आया है 2021 में। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने आज नोटिस किया, आज मैंने देखा कि मेरी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, तो मैं आज इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहता हूँ। जैसे कहीं आपके वीडियो पर कभी इसी तरह का प्रॉब्लम आए तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये वीडियो देखकर। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आता तो आपको 90 डेज का टाइम मिलता है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और आपकी वीडियो को हाइड तो ऑलरेडी कर दिया है यूट्यूब वालों ने, और अगर आप इस वीडियो को डिलीट कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर कॉपीराइट स्ट्राइक में अगर किसी तरह भी अगर आप अपनी वीडियो डिलीट कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। आपको इस मेथड को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, इस वीडियो में आप विदाउट स्किप करें पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाए। जैसे ऐसे बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी, और आपके चैनल पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप हमारी वीडियो देख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा बात ना करके आइए देखते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक को कंप्लीट करते हैं 90 डेज से पहले। तो देखते हैं हमारे स्क्रीन पे, जैसा कि दोस्त आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, आपके सामने ये नोटिफिकेशन किस तरह का मैसेज आया है। योर वीडियो वॉज रिमूव ड्यू टू अ कॉपीराइट टेकडाउन रिक्वेस्ट। ये स्ट्राइक आपके किसी भी वीडियो पे आ सकता है। अगर आप किसी एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं, कोई म्यूज़िक आप अपने बैकग्राउंड में यूज़ कर रहे हैं, या किसी तरह की फ़ोटोज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास अगर कॉपीराइट का इस तरह का मैसेज आ जाता है, ये नोटिफिकेशन आता है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे 30 अप्रैल 2021 को मेरा फर्स्ट कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, और आज है 1 मई 2021, मतलब मैंने आज ही इसको देखा और आज मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये स्ट्राइक एक्सपायरी डेट 90 डेज की होती है, मतलब 3 महीने की। और ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक है हमारा, कॉपीराइट स्कूल ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर इस तरह का आपको मतलब लगता है कि ये जो डिटेल्स है, व्हाट यू कैन डू, ये जो इन्फॉर्मेशंस है इस इंग्लिश में, अगर इसको क्या करें, ट्रांसलेट कर लें। आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, मैं ये जो भी पॉइंट्स हैं मैं इनको कैसे समझ सकता हूँ, तो आप क्या करें, इनको कॉपी कर लें और यहाँ पेस्ट करके इस तरह हिंदी में ट्रांसलेट करके इसको रीड कर सकते हैं। तो कैसे रीड कर सकते हैं, मैंने कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे देखा कि भाई ये 3 पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, तो ये 3 पॉइंट्स आप अच्छे से इस तरह इंग्लिश कन्वर्ट करके हिंदी में रीड कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या करेंगे, आपके सामने यहाँ रिव्यू डिटेल्स है और अटेंड कॉपीराइट स्कूल। तो आपका जो फर्स्ट कॉपीराइट है वो अटेंड कॉपीराइट स्कूल है। कॉपीराइट स्कूल क्या होता है, आइए हम इसको नेक्स्ट। तो आप देखेंगे ये अटेंड कॉपीराइट स्कूल है, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक करा, आपके सामने कुछ कॉपीराइट स्कूल के क्वेश्चंस एंड आंसर आ गए, मतलब ट्रू फॉल्स हैं, आपको इनके जवाब देने हैं, और अगर आप गलत जवाब देते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें कि इनका जो आंसर है सही तरीके से दें, और अगर आपको लगता है ये क्वेश्चंस इंग्लिश में है तो आप इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें कैसे। और सबसे पहले क्या है कि आपके सामने एक वीडियोज़ है, वॉच दिस वीडियो अबाउट कॉपीराइट, मतलब कॉपीराइट के बारे में कुछ डिटेल्स दे रहा है, आपको इनका जवाब नहीं देगा बट बता रहा है कि ये कॉपीराइट किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा पॉइंट्स या हिंट देते हैं। तो आप इसको कैसे करें, अगर इन केस मान लीजिए आप इंग्लिश नहीं आती तो आप इसको कॉपी कर लें पर क्वेश्चन, और यहाँ पे पेस्ट करें और ट्रांसलेट हो जाएगा।
इसी तरह आप चारों क्वेश्चन को कॉपी कर लें। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चन को ट्रांसलेट पे कॉपी कर लें, ट्रांसलेट इन हिंदी पे, और उसका हिंदी में इस तरह के यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश टू हिंदी में, और ये आपका क्वेश्चंस है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं आपके सामने, ये कॉपीराइट स्कूल है, कुछ इसमें क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चन के सही जवाब देने हैं। और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इंग्लिश में हैं और आप इनको ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो रही है, तो आप इनको क्वेश्चन को इस तरह पूरा कॉपी करें और ट्रांसलेट पे पेस्ट कर दें, मतलब इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट कर दें और इसका सॉल्यूशन रीड करके देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे चार क्वेश्चन हैं, 1, 2, 3, 4, और मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं हिंदी में, आप इनको रीड कर लें और इनका सही जवाब आप यहाँ पे देना स्टार्ट कर दें। तो मैं इसी को रीड कर लेता हूँ और इसी में आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्वेश्चन है कॉपीराइट प्रोटेक्शन। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने क्या है, मेजर फिल्म टेलीविज़न रिकॉर्डिंग कॉर्पोरेशन पे ऑफ प्रिविलेज, इस तरह क्वेश्चन है। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स में हमारा फॉल्स है, जिस तरह मैं क्वेश्चन को इसको रीड कर रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन में ये फॉल्स है। आप ट्रांसलेट में देखें, इसको पढ़ लें, कॉपीराइट संरक्षण केवल प्रमुख टेलीविज़न और रिकॉर्डिंग ये वो को विशेषकर भुगतान करती है, मतलब ये टीवी टेलीविज़न वगैरह पे दिखाने के लिए बता रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, गलत है ये, तो फॉल्स है। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कॉपीराइट इन्फ्रेंट कैन रिजल्ट इन, तो हिंदी में देखें, कॉपीराइट उल्लंघन का परिणाम हो सकता है, तो कॉपीराइट का जो हम का उल्लंघन हो सकता है, मॉनेटरी डैमेज, फाइंस, लीगल फीस, टर्मिनेट ऑफ योर यूट्यूब अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव, तो हम ऑल ऑफ द अबव पे कर देंगे। अगर इस तरह का आपके पास क्वेश्चन है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करें, तो ऑल ऑफ द अबव पे क्लिक कर दें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द कॉपीराइट वर्क हैज़ डेड, द वर्क इज लॉन्गर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या जवाब देना है, ट्रू और फॉल्स में, फॉल्स। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप ट्रांसलेट कर लें, ट्रांसलेट करके इस तरह इसको हिंदी में समझ लें। तो मैंने इसको समझ लिया है, अब इसका जवाब दे रहा हूँ, तो यहाँ पे फॉल्स है। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ, इफ़ यू मिस यूट्यूब काउंटर नोटिफिकेशन, अगर किसी तरह का हम मिस करते हैं या काउंटर नोटिफिकेशन के प्रोसेस को यूट्यूब से रिलेटेड, तो उसमें हमारे तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में हम क्या बता सकते हैं, योर यूट्यूब अकाउंट विल बी टर्मिनेट, अगर हम किसी तरह का मिस करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं जैसे यूट्यूब के साथ, तो हमारा चैनल अकाउंट डिलीट कर सकता है, या किसी कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिखाएगा, आप अदालत में समाप्त हो सकता है, मतलब किसी की तरह लीगल कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वो हमारा फर्स्ट है, योर यूट्यूब अकाउंट विल बी टर्मिनेट, अगर हम किसी तरह का और भी किसी तरह का इस तरह का प्रॉब्लम करते हैं, मिस करते हैं यूट्यूब के साथ, मिस यूज़ करते हैं यूट्यूब गाइडलाइंस के साथ, तो वो हमारा चैनल बिल्कुल टर्मिनेट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको इन चारों क्वेश्चन के बिल्कुल सही जवाब दे दिए। आपको अगर किसी तरह का इससे डिफरेंट क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके कॉपीराइट स्कूल में नहीं आ रहा है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, आप वहाँ से सही जवाब लेके अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, आंसर फिल करें और उसको डन करें। तो जैसे कि मैंने इन चारों क्वेश्चन के सही सही जवाब दे दिए हैं, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, चेक आंसर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू स्क्रीन में चेक आंसर है, इस चेक आंसर पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने इसको डन करा, आप यहाँ पे देख सकते हैं योर सक्सेसफुल कंप्लीट कॉपीराइट स्कूल, आपके सामने बिल्कुल एक नोटिफिकेशन और ब्लू स्क्रीन पे आ गया, योर सक्सेसफुली कंप्लीट कॉपीराइट स्कूल,
और आप मेरा देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है वहाँ पे करेक्ट आ चुका है, सेकंड क्वेश्चन भी मेरा करेक्ट है। तो जैसे कि मैंने दिखाया कि उसको डन कर दिया, डन करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ गया कि 30 अप्रैल 2021 को आपके वीडियो पे जो कॉपीराइट स्ट्राइक आया था वो 29 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा, मतलब 29 जुलाई तक ये रहेगा, उसके बाद ये हट जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि इस वीडियो में आप कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक के क्वेश्चन के सही जवाब या इनका आंसर दे सकते हैं। अगर आपके कॉपीराइट स्कूल से रिलेटेड आपके भी किसी वीडियो में इस तरह के प्रॉब्लम तो आए तो इस वीडियो को देख के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई और बिल्कुल समझ में आई, तो मेरे ख्याल से आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।